टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं गोविंद यादव, आपका मैथमेटिक्स टीचर। सो आज फिर से हम एक बार अपना चैप्टर 4 में फ्रिक्शन के ऊपर आए हैं, और फ्रिक्शन में आज हम कौन कौन सी टाइप करेंगे वो आज हम देखेंगे। पर उससे पहले टाइप स्टार्ट करने से, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कुछ बच्चों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम दी थी, आज हम सबसे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले एक बच्ची ने मुझसे एक प्रॉब्लम में पूछा था कि सर हमें कंपेयर करना है, और एलसीएम मेथड से किस तरीके से हम किसी दो फ्रिक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक फ्रिक्शन है 3/8, और अदर एक एग्जाम्पल हो गया हमारे पास 7/4। सो 3/8 एंड 7/4, इन दो फ्रिक्शन को हमें कंपेयर करना है किससे, एलसीएम मेथड से। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम हमने लिया, एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, हमें इनके सबसे पहले फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर किए, 2 से गया 4, 2 जा और 2 पे 2 जा 4, 2 1 और 2 से 1 1। सो एलसीएम हमारा कितना हो गया, एलसीएम हमारा हो गया 2 × 2 × 2 = 8। इज दैट क्लियर। तो एलसीएम को हमें यहाँ पर रख देना है, एलसीएम यहाँ पर रखा 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को 8 से डिवाइड किया कितना आया 1, इस 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 3 × 1 = 3, ठीक है, और ये हो गया। अभी 8 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड किया कितना आया 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 × 2 = कितना होगा 14। अभी आप सबको पता है 3 किसका है, 3/8 का, तो 3/8 और 14 किसका है, 14 है 7/4 का। एग्जैक्टली क्लियर। सो आपको ये भी पता है 3 बड़ा है या 14 बड़ा है, तो आप सीधा कहोगे सर 14 बड़ा है। सो बिल्कुल 7/4 इससे क्या हो गया, ग्रेटर देन 4। तो इस तरीके से हम एलसीएम मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। अभी सेकंड प्रॉब्लम थी एक निकिता नाम की बच्ची का। निकिता ने मुझसे सवाल किया कि सर लाइक फ्रिक्शन में हम किस तरीके से इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो बेटा लाइक फ्रिक्शन का तो बहुत ही आसान मेथड है, लाइक फ्रिक्शन में तो कुछ सोचने वाली बातें ही नहीं है। लाइक फ्रिक्शन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइक फ्रिक्शन क्या होता है, क्या है लाइक फ्रिक्शन। लाइक फ्रिक्शन क्या होता है कि जिनका डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होता है, जिन भी फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, लाइक फ्रिक्शन में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया 2/5, 7/5, 9/5 एंड 11/5। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल सेम है, 5 5 5 डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रिक्शन बोलेंगे। अभी हमें क्या करना है, इनको अगर हमें कंपेयर करना है, कंपेयर मैंने आपको बताया था दो चीज़ों में होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको कंपेयर करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा। अभी आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर के नंबर को लिख लेंगे 2, 7, 9 एंड 11। इनको हमने कंपेयर किया असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 7, फिर 9 और फिर 11। ये हमने इनको न्यूमिनेटर को किस में कर दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में। सेम इनके फ्रिक्शन को लिख देना है 2/5, 7/5 और 9/5 और 11/5। सो इस तरीके से लाइक फ्रिक्शन में हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो ये तो थी हमारी पिछले लेक्चर की कुछ प्रॉब्लम जो बच्चों ने मुझे दी, ये हमने आज क्लियर कर ली है। अभी नेक्स्ट जो हमारे पास इस पे फ्रिक्शन के चैप्टर में जो टाइप आएगी वो है हमारी एडिशन ऑफ फ्रिक्शन। क्या है एडिशन ऑफ फ्रिक्शन? सो एडिशन ऑफ फ्रिक्शन किस तरीके से किया जाता है वो आज हम देखेंगे। नॉर्मल नंबर में, नेचुरल नंबर, होल नंबर में अगर आप एडिशन करते थे बिल्कुल सिंपल होता था, जैसे 2 + 3 हो गया 5, और हमने 10 + 11 किया तो हो गया 21। इस तरीके से हम इनको ऐड करते थे, वो ऐड करना हमें आता है। पर आज हमारा जो टॉपिक है वो हो गया फ्रिक्शन में, कि फ्रिक्शन में किस तरीके से ऐड करेंगे। सो बेटा ये बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम लाइक फ्रिक्शन में लाइक फ्रिक्शन को ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हमें लाइक फ्रिक्शन के दो एग्जांपल ले लेने हैं जिनको हम ऐड करके देखेंगे। तो हमने ले लिया 2/7 और हमने ले लिया 8/4/7। ओके, तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है 7 7, तो हम इनको लाइक फ्रिक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। लाइक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि जिनका डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम हो, जिन फ्रिक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा वो क्या होगा, हमारा लाइक फ्रिक्शन होगा। अब हमें इनको ऐड करना है, या हमने
एड का साइन कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया, 7। अब आप कहोगे सर इनका एलसीएम 7 कैसे आया, तो 7 बेटा जिनका भी जो भी डिनोमिनेटर आपका अगर सेम रहे तो एलसीएम उनका सेम ही रहता है, या हम निकाल के भी देख सकते हैं। 7 7 इनके फैक्टर के 7 7 7 7 7 तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 7। ओके, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया है, 7 आ गया है। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आया, 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया। ठीक है, 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया तो +4 इक्वल टू कितना आ गया, 6/4। सो ये हो गया हमारा आंसर। इसमें एक एग्जांपल लाइक फ्रिक्शन का एक एग्जांपल और लेके देखेंगे कि लाइक फ्रिक्शन में हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। वो हमारा हो गया 3/4 और सेकेंड हो गया हमारा 5/4। ओके, सो लाइक फ्रिक्शन में हमें पता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, 4/4 आप यहाँ पर देख रहे हैं। एलसीएम लिया हमने कितना आ गया 4, 4 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1, 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 3+5 = 8/4 कैंसिल किया तो आंसर कितना आ गया हमारा 2। तो इस तरीके से हम लाइक फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी अगली टाइप पे और किस में ऐड करना है, हमें वो करना है हमें अनलाइक फ्रिक्शन। अनलाइक फ्रिक्शन में हम ऐड करके देखेंगे। सो अनलाइक फ्रिक्शन का मतलब आप समझते हैं, अनलाइक फ्रिक्शन हम किसे कहेंगे जिनका न्यूमरेटर हमारा सेम हो। लाइक फ्रिक्शन में हमारा डिनोमिनेटर सेम होता था, अनलाइक फ्रिक्शन में हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर सेम रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है 2/7 2/3 और हो गया हमारा 2/5। ओके, सो आपको दिख रहा है न्यूमरेटर हमारा क्या है, सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर हमारा अलग है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रिक्शन बोलेंगे। वही सेम चीज हमें करनी है, ऐड करना है, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेना है बेटा, जिनके फैक्टर ना हो। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जिन भी नंबर के फैक्टर ना हो तो उनकी हमें एलसीएम करने के लिए सीधे मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। तो 3 × 5 = हो गया 15, ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। वैसे हम इसको निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे 3 और 5 3 से 3 बन जा 3 5 बच गया 5 से 1 और 1। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 3 × 5 = 15। और यही मैंने आपसे सीधा कहा था कि जिन नंबर के फैक्टर ना हो उनका हमें सीधा मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम ले लेना चाहिए। सो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर कितना आया, 5 आया। 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 2 से तो आंसर आया 10 प्लस का साइन। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आया 3 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 6। सो 10 + 6 = 16/15, ये हमारा राइट आंसर होगा। अनलाइक फ्रिक्शन में इस तरीके से हमें ऐड करना चाहिए और इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पिच में जो एग्जांपल होगा अनलाइक फ्रिक्शन का, (7/2 + 7/4). सो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर हमारे बिल्कुल डिफरेंट है और न्यूमरेटर हमारा बिल्कुल सेम है और डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है 2 और 4 का, 2 का 2 1 2 2 और यहाँ पर 2 1 1। एलसीएम कितना आ गया हमारा 2 × 2 = 4। इज दैट क्लियर, ओके। सो एलसीएम हमारा 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 2 आया, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 4 गया प्लस, 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 1 आया, 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 7 और 14 और 7 = 4, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ओके, तो ये तो हमारी बात थी लाइक और अनलाइक फ्रिक्शन की। अब इसमें एक टाइप और बचाती है हमारी जिसमें हमें ऐड करना है, वो है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी बेटा सबसे पहले बात यह है मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। मिक्स फ्रैक्शन होता है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को अगर किसके साथ ऐड कर दे, एक होल नंबर के साथ ऐड कर दे या एक होल नंबर के साथ कंबाइन कर दे, वो हमारा किस में चेंज होता है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्स फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है हमारे पास 2 7, ये सब हमारी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको हमें ऐड करना है, ऐड करके देखते हैं किस तरीके से ऐड हो सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन के मैं 2 एग्जांपल लूंगा और इनको ऐड करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा हो गया
है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐड करने के लिए हमें इनको फ्रिक्शन में चेंज करना पड़ेगा। मिक्स फ्रिक्शन को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, फ्रिक्शन में चेंज करना पड़ेगा। फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 × 4 = कितना होगा 28, और फिर उसमें 1 ऐड कर देना है, +1 = होगा 29। तो हमारा कितना आ गया 29/4 क्या आ गया हमारा फ्रिक्शन आ गया इसका। इसमें भी सेम करना है 602 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 12, और +3 कर दिया तो कितना आया 15, तो हमारा फ्रिक्शन कितना आ गया 15/2। इज दैट क्लियर। अब हमारे पास दो फ्रिक्शन आ चुके हैं 29/4 और प्लस करना है किससे 15/2 से। एलसीएम हमने सेम लिया, एलसीएम इन दोनों का क्या हो गया 4 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 × 29 +4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 भी यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो कितना है 30। अब इन दोनों को ऐड किया तो 59/4 ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। तो इस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक और मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, वो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास 5/4 +7/6, ठीक है। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फ्रिक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 4 और 5 की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 20+3 = हो गया 23/4, क्लियर। प्लस इन दोनों को फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 7 × 3 = कितना हो गया 21+1 = 22/3। सो 22/3 अब इनको हम ऐड कर सकते हैं, ये हमारा टेक्स में आ गया, फ्रिक्शन में चेंज हो गया है। एलसीएम हमारा कितना आया 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड किया कितना है 3, और 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 69 प्लस। अभी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 4 88। सो 88 प्लस करेंगे इसमें, 88 में 69 ऐड किया हमने कितना आया 9 और 8 हो गया 70, कैरी 1, और 8 और 6 = 14 और 15, तो 1057/12 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन से आ गया आंसर आ गया। स्टूडेंट सो अभी जो हमने टाइप की थी फ्रैक्शन में एडिशन करके देखा था, तो एडिशन के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 4.4 है, उसका एक जो क्वेश्चन है ये मुझे लगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं आज अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें हमें करने के इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि ये क्या हमारा हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन और ये हमारे सिंपल एक नंबर है। सो इसको पहले सबसे हमें क्या इसमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले 2 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 + 3 कितना हो गया 11/4 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो कितना आया 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 2 = 14 + 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में उसके लिए 1 लिख लेते हैं। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना है हमारा 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 33 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 14 × 4 4 × 4 = 16 कैरी 1 4 × 4 = 4 और 5 = 56 और 12 को 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 12 × करेंगे तो प्लस में 12। अब इनको ऐड करते हैं 3, 56, 12 इनको ऐड किया तो हमने 6 और 2 कितना हो गया हमारे पास 9, 6 और 3 हमारे पास 9, 9 और 2 = 11 कैरी 1, 5, 3, 8, 9 और 10 सो 101/12 ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। ओके सो डियर स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 4.5 जो सॉल्व द स्टोरी सम है वो जो अभी टाइप की थी हमें सम फ्रिक्शन में सम करने के लिए सो उसके ऊपर बेस है। तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है, उसके लिए सबसे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे वो क्या है हमारे पास अमीना बोट 3/8 meter ऑफ रेड रिबन एंड 1/2 ऑफ ब्लू रिबन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दैट शी वोर। क्या कह रहा है कि अमीना है वो 3/8 meter रेड रिबन खरीद रही है और 1/2 कितना के लिए ब्लू रिबन खरीद रही है। सो हमसे टोटल लेंथ पूछ ली है कि उसे टोटल लेंथ कितनी
रिबन की कितनी खरीदी है, तो रेड जो रिबन है हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 3/8, ब्लू रिबन की लेंथ कितनी है हमारे पास 1/2, और तो टोटल लेंथ हम निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ जहाँ पर भी पूछे तो क्या करना है वहाँ पर हमें ऐड कर देना है। तो हमें करना किस तरीके पड़ेगा, ये हमारे पास हो गया कि लेंथ हो रेड रिबन, लेंथ ऑफ रेड रिबन क्या होगा 3/8 मीटर। ओके आगे क्या है हमारे पास, क्या गिवन है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन, सो लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितना होगा 1/2 मीटर, और हमसे पूछ के रखा है कि टोटल लेंथ कितनी थी, सो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, टोटल लेंथ कैसे आएगी, इन दोनों को हमें क्या करना है ऐड करना है, 3/8 + 1/2, सो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम हम निकालेंगे 8 हो गया, 2 हो गया, 2 से 2 4 1, 2 2 जा 1, और यहां पर कितना आ गया 2 1 1, सो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 2 × 2 × 2 = 8। ठीक है, सो एलसीएम हमने कितना ले लिया, यहां पर 8 एलसीएम आ गया है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 तो = 7/8 मीटर टोटल उसकी क्या थी लेंथ थी। एवर फिर देखते हैं कि रेड रिबन की लेंथ हमारे पास कितनी थी, 3/8 मीटर थी, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन कितनी थी हमारे पास 1/2 मीटर थी, टोटल लेंथ पूछी है, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने तो टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 7/8। ओके सो हमारा 4.5 का जो सेकंड क्वेश्चन है अब वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि राज 1 and 1/2 एप्पल्स व्हाइल विकी 3/4 ऑफ एन एप्पल, हाउ मेनी एप्पल्स डिड दे ईट टुगेदर, क्या कह रहा है कि राज है वो कितना एप्पल लेता है, 1 and 1/2 एप्पल खाता है, और विकी कितना खाता है 3/4 एप्पल का जो हिस्सा है 3/4 वो खाता है। सो कह रहा है कि हाउ मैनी एप्पल्स डिड दे ईट टूगेदर, देखिए वे दोनों मिलकर इकट्ठे मिलकर कितने एप्पल को खा जाएंगे, कितने अमाउंट के एप्पल के अमाउंट को खा जाएंगे। सो जहाँ पर टूगेदर दिख गया कि दोनों का इकट्ठा पूछा है तो उसका मतलब क्या होता है, हमें क्या करना है सम करना है। ओके सो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम, क्या कह रहे हैं राज एट एप्पल, राज एट एप्पल्स, राज कितने खाता है 1 and 1/2, ओके विक्की 8 apples 3/4, राज कितने खा रहा है एप्पल्स 1 and 1/2, विक्की कितने खा रहा है 3/4। ओके सो दोनों का पूछा है दे ईट टुगेदर, सो कितना होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 and 1/2 + 3/4। ओके तो आपको यहाँ पर एक तो मिक्स फ्रिक्शन में मिल गया, एक सीधा फ्रिक्शन में मिल गया, तो इसको हमको फ्रिक्शन में चेंज करना है। यहाँ पर फ्रिक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 1 कितना हो गया 2, यहाँ पर 2 ऐड किया तो 3/2 और प्लस 3/4, वही सेम इनका एलसीएम लेना है, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, सो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 2 तो कितना हो गया 6, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 तो 6 + 3 = 9/4। सो ये होगा हमारा राइट आंसर। एक बार फिर देखते हैं कि राज 8 एप्पल, राज कितने एप्पल खा रहा था 1 and 1/2, विक्की 8 एप्पल, विक्की कितने खा रहा था 3/4, तो दोनों मिलकर कितने खाएंगे, इन दोनों को ऐड किया, मिक्स फ्रिक्शन से पहले हम फ्रिक्शन में लेके आए, प्लस में 3/4 एलसीएम लिया, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आ गया हमारा 9/4। सो जो ये आपकी एक्सरसाइज 4.5 थी, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है थर्ड वो आप देखते हैं, उसमें क्या कहता है कि अली रीड 1/8 ऑफ बुक्स ऑन मंडे एंड 1/4 ऑफ बुक्स ऑन ट्यूसडे एंड 1/2 ऑफ बुक्स ऑन वेडनेसडे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक्स डिड ही रीड ड्यूरिंग दीज 3 डेज, क्या कह रहा है कि अली है वो मंडे को कितनी बुक रीड कर रहा है 1/8, ट्यूजडे को कितनी कर रहा है 1/4, और वेडनेसडे को कितनी कर रहा है 1/2, और फिर हमसे पूछा क्या गया है कि कितना फ्रैक्शन में उसने तीनों डेज में बुक को रीड किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि बुक रीड ऑन मंडे, बुक रीड ऑन मंडे, मंडे को कितनी बुक रीड हो रही है 1/8, ठीक है, बुक
रीड ऑन ट्यूजडे कितनी है 1/4 और बुक रीड ऑन वेडनेसडे कितनी हो रही है 1/2। सो तीनों डेज के हमारे पास बुक जो रीडिंग होती है वो हमारे पास आ गई है कि मंडे को इतनी बुक रीड हुई, ट्यूजडे को इतनी बुक रीड हुई, वेडनेसडे को बुक इतनी रीड हुई। अब हमसे 3 डेज की पूछी गई है बुक रीड्स ड्यूरिंग ऑन 3 डेज। तो 3 डेज की हमसे पूछी गई है कि 3 डेज में कितनी बुक रीड होगी, तो इन तीनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1/8 + 1/4 + 1/2 इज दैट क्लियर। वही सबसे पहले हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 8, 4, 2 का एलसीएम लिया, सो 2 से किया तो 4, 2, 1, फिर 2 से करेंगे तो 2, 1, 1 और फिर 2 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। एलसीएम 8 आया तो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो 1 प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो 2 प्लस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई 4, तो 4, 2, 6 और 1, 7 7/8 जो फ्रिक्शन आया है कि 3 डेज में कितनी बुक्स अली ने पढ़ी है। एक बार फिर देखते हैं क्या कह रहे थे, अली ने 1/8 बुक्स मंडे को पढ़ी, मंडे को कितनी बुक पढ़ी थी 1/8, ट्यूजडे को कितनी बुक पढ़ी थी 1/4 और वेडनेसडे को कितनी पढ़ी थी 1/2। तो उसने 3 डेज का पूछा था कि इन तीनों डेज में उसने टोटल कितनी बुक पढ़ी थी। सो तीनों डेज के लिए हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, इनको ऐड किया तो एलसीएम हमारे पास आया 8, 8 से हमने आंसर निकाला 7/8 की, मतलब 7/8 जो फ्रिक्शन है बुक्स का वो उसने तीनों डेज में पढ़ लिया था। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे एडिशन के ऊपर जो टाइप थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उससे हमने एडिशन भी करके देखा लाइक और अनलाइक फ्रिक्शन में, और मिड फ्रिक्शन में हमने एडिशन करके देखा, और जो 4.5 एक्सरसाइज थी जिसमें सो द स्टोरी सम एडिशन के ऊपर थे वो तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, थैंक यू।